हेलो दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का मार्केट मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पूरा बुलिश था, डॉजन बुलिश था, नेस्डेक बुलिश था, एजेक्स निफ्टी बुलिश था, पूरा ग्लोबल मार्केट बुलिश था, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट इतना गिरा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि बैंक निफ्टी बुलिश ओपन होगा 200 पॉइंट, लेकिन 200 पॉइंट ओपन नहीं हुआ। आज मार्केट 1300 पॉइंट नीचे गिरा, सबको हैरान कर दिया। मैं भी हैरान हो गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरा ग्लोबल मार्केट बुलिश है लेकिन इंडियन मार्केट ऐसे कैसे गिर सकता है। तो कभी कभी मैं आपको इससे ये आप सीख में आइए, देखिए रेगुलर मार्केट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, रेगुलर, और रेगुलर मार्केट से हमको सीखना भी है। तो इससे ये सीखिए कि कभी भी ग्लोबल मार्केट पर डिपेंड मत रहिए, कि ये नहीं कि ग्लोबल मार्केट बुलिश है तो हम कॉल ही लेंगे, ग्लोबल मार्केट बेरिश है तो हम पुट ही लेंगे। नहीं, हमको प्राइस एक्शन पर चलना है। प्राइस एक्शन हमारा जो सेटअप, जो स्ट्रेटजी जो बोल रहा है उसको फॉलो करना है। कभी भी देखिए, यूज करिए, ग्लोबल मार्केट देखिए अच्छा बात है, न्यूज देखिए अच्छा बात है, लेकिन न्यूज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। न्यूज बेस पे कभी भी ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि आज न्यूज बेस पर ट्रेड लेते तो सबका वाट लग गया होगा आज। इसलिए हम लोग को, हम लोग एज ए इंट्रा ट्रेडर है, हम लोग को जिस साइड मोमेंट मिलेगा उस साइड ले लेंगे। ये नहीं कि हमको कॉल है तो कॉल ही लेंगे, मार्केट बुलिश है तो हमको कॉल ही लेना है, बियरिश है तो मुझे पुट ही लेना। नहीं, हम लोग को प्राइस एक्शन जिस साइड भी सेटअप मिलता है उस साइड भी लेना। हम दोनों तरफ रहेंगे, बुलिश भी रहेंगे, बियरिश भी रहेंगे, और जिस साइड भी हमको सेटअप मिलता है उस साइड भी हमको ट्रेड करना। तो फिर भी ठीक ठाक हमको आज प्रॉफिट मिला। कल मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, अराउंड बहुत गैप डाउन ओपन हुआ, जब भी इसको ब्रेक किया मैं एंट्री लिया। मैं यहाँ पे, ये मेरा टारगेट था, क्योंकि रीजन था कि इसका लो मेरा फर्स्ट टारगेट था, तो मैं यहाँ पे एग्जिट भी हो गया था। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बताया था कि मेरा एक फेवरेट कैंडल है, वो जहां भी वो रेजिस्टेंस के पास बनता है तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। ये कैंडल को अगेन जब भी ब्रेक किया मैं जस्ट उसको यहाँ पे एंट्री लिया, मेरा टारगेट इजीली यहाँ पे मिल गया। फिर दोबारा मैं ट्रेड नहीं किया, मैं दो ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो जाता तो मैं दोबारा ट्रेड नहीं करता हूँ। इसके ऊपर प्रॉफिट था, इसके बाद मार्केट देखिए फिर ऊपर गया, फिर यहाँ इसको ब्रेक किया, देखिए इसको ब्रेक किया तो देखिए कितना अच्छा मूवमेंट किया, बहुत ही अच्छा मूवमेंट किया। जब भी इसको ब्रेक किया तो देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट किया। तो आप सोच सकते कि मेरा एनालिसिस कितना परसेंट काम करता है, 80% कम से कम काम करता है, प्रॉफिट देता है। बस आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, और स्टॉप लॉस को हमेशा, और रिस्क टू रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये सब फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है इससे अच्छा सेटअप आपको कहीं मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आप मंडे में मार्केट में क्या होगा। आज आपको मैं पता चल गया यहाँ पे, जब भी उसको ब्रेक किया मैं एंट्री लिया तो अच्छा मूवमेंट, ये आपको लग रहा है छोटा पॉइंट है, नहीं बहुत ज्यादा पॉइंट है, अराउंड 60 पॉइंट दिया मुझे प्रीमियम में। ये ब्रेक किया तो यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट मिला, फिर मैं अगेन नहीं लिया। फिर इसको ब्रेक किया तो मार्केट और भी बहुत नीचे गया, तो ज्यादा मैं लालच करना बुरी बलाया तो मैं छोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं मंडे मार्केट, मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों मार्केट पहले वनडे के कैंडल में देखते हैं कि वनडे कैंडल क्या बोलता है। हम आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का वनडे कैंडल में बताए हैं, वो आप जरूर देखिएगा, क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन वाला। जब तक वो समझ में आपको नहीं आएगा, जब तक वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताया था कि जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो बेरिश होगा मूवमेंट, हुआ भी। मैं आपको दो कितना दिनों से मैं बोल रहा हूँ, जब भी इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो बहुत ही बड़ा मूवमेंट होगा, फॉल होगा, वैसे ही हुआ ही भी। जब भी उसको ब्रेक किया तो दो कितना अच्छा फॉल, कितना जबरदस्त फॉल हुआ। अभी मार्केट मुझे लग रहा और भी फॉल हो सकता है, जिस हिसाब से मार्केट देखिए, और मेरे हिसाब से अब यहाँ आने का चांस हो सकता है 1-2 वीक में, हो सकता है यहाँ इसको भी टच करके ऊपर जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी वनडे के कैंडल मुझे इतना तो कंफर्म पता चल गया कि मार्केट बेरिश है, और देखते हैं हम एनालिसिस करते हैं फिर 15 मिनट में हमको कहाँ बाई और सेल करना है। दोस्तों आप रेगुलर मेरा एनालिसिस वीडियो देखिए, जिससे आपको इजीली आप भी धीरे धीरे एनालिसिस वीडियो देख सीख करना सीख जाओगे। लेकिन हाँ, मैं जो वीडियो डाला हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट वाला
वो वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक आप फिर आप ट्रेडर आपको एनालिसिस करना नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी वो आपको सीखना, वो देखना जरूर, ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जब जब आप इसको ब्रेक करेगा तभी हम बुलिश मान सकते हैं, बुलिश होगा। अगर इसके अंदर रहा तो बेरिश ही रहेगा। लेकिन चलिए थोड़ा उसको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इतना फॉल हुआ, सबका कंफ्यूज कर दिया, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। मैं सोचा भी नहीं था इतना बड़ा फॉल होगा मार्केट में, लेकिन मार्केट है, आपको रेगुलर कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टारगेट हम देखते ये है नीचे में, आप देखते हैं एक ये हुआ, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट तो हम नहीं ले सकते हैं। और दूसरा एक और टारगेट देते हैं आपको बीच में, एक ये एक ये है, ये आपका हो गया नीचे के लिए। एक और नीचे हम आप देख सकते हैं, मुझे तो अभी मार्केट वन डे कैंडल में तो बेरिश बता रहा है। अब देखिए मंडे ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है। दोस्तों आज से आप ये सीख गए होंगे कि कभी भी ग्लोबल मार्केट देखना अच्छा बात है, लेकिन डिपेंड नहीं रहना कि हमको ग्लोबल मार्केट की बेस पे मुझे ट्रेड लेना है। ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि रेगुलर मार्केट आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। तो आप जरूर उसको सीखिए, क्योंकि रेगुलर कुछ ना कुछ नया सिखाएगा मार्केट हर रोज। दोस्तों अगर ये है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट मिलेगा, उसको नीचे हम यहाँ पे हम ऊपर की तरह हम देखते मार्केट। अगर दोस्तों उसको ब्रेक करता है तो हमारा ये टारगेट फर्स्ट ये रहेगा ऊपर में ये वाला, और दूसरा मेरा टारगेट रहेगा ये वाला बस। तो ये है बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों, आप देख सकते हैं कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। आपको आप इजीली आप समझ गए होंगे, मैं इतना दिन से रेगुलर बनाता हूँ वीडियो। तो ये आपका बैंक निफ्टी का मंडे का लेवल है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है, और इसको आप थोड़ा बहुत मिला भी सकते हैं 5 मिनट में। तो दोस्तों ये है आपका बैंक निफ्टी का लेवल मंडे का। यहाँ पर हम दो को लेवल दे देते हैं, एक ये हो जाएगा, एक और भी हम इसको दे देते हैं यहाँ पे। ये लेवल है तो दोस्तों ये मंडे का लेवल है बैंक निफ्टी का। जिस साइड भी ब्रेक करेगा अच्छा मूवमेंट करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मार्केट थोड़ा कंसोल होना चाहिए। कंसोल होके जिस साइड भी ब्रेक करेगा तो अच्छा मोमेंट होगा। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया था, वन डे कैंडल में ही बताया, इसलिए वन डे वाला एक मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का वीडियो में डाला हूँ, वो जरूर देखिए। तीन वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ, एक और आने वाला है, 4-5 वीडियो आएगा रेजिस्टेंस सपोर्ट का। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे आप भी इजिली कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें। मैं आपको लेवल दिया हूँ, ये लेवल आप जरूर फॉलो कीजिए। बाय, टेक केयर दोस्तों।